शुरू होने जा रहा है वहां पर। भावी नगर सेवक पद्मशाली युवक संघटनेचे माजी अध्यक्ष श्रीनिवास देड्डी यांचे देखील या ठिकाणी आगमन, त्यांचे देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय। ते काढायला वर हे डोक्याला लागा देते। उमेश बंगारे यांच्याकडून सुमित गेंदबाजी करने के लिए, गेंद शॉट, गेंद इस बार पीछे जाकर गेंद को मारा, गेंद आ रही है बिल्कुल। तो सुमित गेंदबाजी करने के लिए फिर से जोर की दूसरी गेंद लेकर युवराज नाम पर लेके लिया। राइट हार्म ओवर विकेट से गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला गेंदार, थर्ड मैन के क्षेत्र में निकलती गेंद, जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते एक रन लेने का मौका मिला, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल दो रनों की योग पर। तो शॉट गेंद इस बार पीछे जाकर गेंद को मारना चाहते थे राजू वासे, लेकिन फिर भी गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के पीछे, जब तक गेंद को रोका जाता है। 22 रन का इशारा अंपायर मिस्टर सू राज गोरे की ओर से यहां पर दिया जाता है, 22 रनों का इशारा वहां पर। फिर से गेंदबाजी करने के लिए, गेंद बहुत थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, स्टंप के बाहर गेंद निकल रही है, बड बॉल का इशारा था, वह बढ़ता हुआ स्कोर कुल स्कोर केवल 4 रनों की योग पर। और इस टूर्नामेंट के लिए पहले क्रमांक का जो बम्पर प्राइज दिया जा रहा है पद्म जल्लोष प्रीमियर लीग के लिए ₹31,000 अशोक जी वर्णालीन की ओर से पहले क्रमांक के लिए दिया जा रहा है। दूसरे क्रमांक के लिए ₹21,000 की इनाम राशि माननीय तथा संतोष जी सोमाइन की ओर से दी जा रही है। तो राणा प्रताप सोमाइन के स्मरणार्थ में ₹21,000 के ये गेंद, शॉट गेंद हवा में जा रही है, गेंद लपकना चाहते थे गेंद को नहीं लपक पाए, लेकिन फिर भी गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे, जब तक कि फील्डर फील करते एक रन लेने का मौका मिलता हुआ और बढ़ता हुआ स्कोर इस सिंगल रन के साथ केवल 5 रन की योग पर। आज के दिन में बैटिंग टीम में धमाका देख सकते हैं, वेंकटेश इंजामुरी की बल्लेबाजी का भी इंतजार होगा यहाँ पर। कसकर से मैचेस खेलने के लिए हैदराबाद से यहां पर जो आए हैं राजू वासी, 22 रन का इशारा अंपायर की ओर से आ रहा है, 22 रन का इशारा, ये 4 रन का इशारा था हुआ और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है केवल 9 रनों की योग पर। और तीसरे क्रमांक के लिए ₹11,000 की इनाम राशि विद्याधर श्रीराम इनकी ओर से दी जा रही है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नंदलाल स्वीट मार्ट की ओर से कलाशोषी पेंटैया नंदाल इनके स्मरणार्थ में ₹5,000 का प्राइज दिया जा रहा है। और बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन के लिए नरेश बीरू साहब की ओर से ₹2,500 के इनाम दिए जा रहे हैं वहां पर। और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए, यानी कि अंतिम मैच में जिस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलता है उसके लिए कैलाशवासी सतीश उषा कोयल इनके स्मरणार्थ में सागर बल्ला की ओर से ₹1,000 का प्राइज दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हर मैच में मैन ऑफ द मैच मिलने वाले खिलाड़ी के लिए कुमार गौरव कुड़क्याल और नीली विजय नीली ये दोनों की ओर से ₹200 का प्राइज दिया जा रहा है। और सभी टूर्नामेंट के लिए जितनी भी ट्रॉफियां लगी रही है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर व्यक्तिगत स्वरूप की ट्रॉफियां और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, पूरी ट्रॉफियां कलाशवासी बालकृष्ण अंजैया कोलपैक इनके स्मरणार्थ में कोलपैक परिवार की ओर से ट्रॉफियां दी जा रही है।
मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पर दी जा रही है बी वाई टेलर्स की ओर से। ऑप्शन के बाहर जाती गेंद देखा जाचा पर का इस बार डेढ़ बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आ रहा। सर सोलापुर के काफी जाने माने खिलाड़ी महेश सरकल अब गेंदबाजी का बाहर संभालने के लिए मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर ऑफ द सोलापुर सिटी हम जिन्हें कह सकते हैं। और निश्चित ही जो कि एक गर्व की बात हम जरूर कह सकते हैं एमपीएल यानी कि महाराष्ट्र लेदर बॉल की जो प्रीमियर लीग खेली गई थी उसमें करीबन लाख रुपए के ऊपर से बोली लगाकर जिस खिलाड़ी को लिया गया था वो है महेश सरकल। और सोलापुर पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर विद्यापीठ के प्रथम कप्तान महेश सरकल वहां पर है। ये सब मान सम्मान बहुत सालों में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के कप्तान भी रह चुके हैं। इस बार सीधा मारा गेंद जा रहा है बॉलों के पीछे निकलती गेंद फील्डर तैनात है एक ही रन लेने का मौका मिला बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। और साथ ही साथ हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं यहाँ पर राकेश पुंजाल साहब इनका भी एक नया रिकॉर्ड हो चुका है यानी कि युवक संगठना जब से यानी कि स्थापित हुई है पद्मशाली युवक संगठना मेरे ख्याल से लगातार 3 साल कोई अध्यक्ष बना है तो राकेश पुंजाल बना है ये भी नया रिकॉर्ड उनके नाम पर हो चुका है। और निश्चित ही मेरे ख्याल से शायद जितने भी पद्मशाली समाज के खिलाड़ी होंगे उनमें से टॉपर खिलाड़ी के तौर पर महेश सरकल को पहचाना जाता है। इनसे सब कुछ सीख सकते हैं इनमें जिद है जुनून है जज्बा है ऐसे गटसी क्रिकेटर महेश सरकल है। लेकिन फिर भी युवराज वो ऑप्शन के बाहर जाकर ऑन सर पे गेंद को मारना चाहते थे वहां पर गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों से टकराई नो स्ट्राइकिंग गेंद पे खासकर से हैदराबाद से यानी कि कभी कभी अपनी अदाकारी भी देख सकते हैं कि पिछली बार हमने देखा था कि किसी फिल्म एक्टर की आवाज निकाली थी वहां पर राजू वासी नो स्ट्राइकिंग गेंद पे है वहां पर। निश्चित ही मैच के अंपायरिंग का काम करने की बात अगर हम करते हैं तो निश्चित ही जो अंपायर जिनका नाम ही लिया जाता है तो टूर्नामेंट की सक्सेस मोहर जिनके नाम पर होती है वो है चंद्रकांत मंजुली सर। लगातार बहुत सालों से जब हम क्रिकेट खेलते थे उस जमाने से अंपायरिंग का काम करते हैं आज तक कर रहे हैं और बहुत सभी नौजवान अंपायर के प्रेरणा स्थान है मंजुली सर यहाँ पर मुख्य स्कर्लेग अंपायरिंग का काम कर रहे हैं। और मुख्य अंपायर का काम करने के लिए मैन फॉर्म दमानी नगर से आए हुए सूरज गोरे सूरज गायकवाड़ और खासकर से हमारे जनार्दन एक जमाने में सोलापुर शहर की बॉलिंग की एक्सप्रेस के तौर पर जिन्हें पहचाना जाता है हैदराबाद से अपनी ड्यूटी छोड़कर समाज के खिलाड़ी को इकट्ठा होने के लिए यहाँ पर मैचेस के लिए आए हैं जनार्दन पेरल्ला। और निश्चित ही जैसे कि एक जमाना था ओपन टूर्नामेंट में समाजांतर्गत मैचेस खेले जाते थे लेकिन अब समान अंतर्गत में महाराष्ट्र लेवल के मैचेस खेले गए थे अहमदनगर में वहां पर सोलापुर टीम का दबदबा हुआ था उस दबदबे में चेतन नराल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का इनाम मिला था वहां पर। गर्व की बात है उस टूर्नामेंट में सोलापुर की टीम नंबर 1 और नंबर 2 ये सोलापुर टीम के लिए इनाम मिला था वहां पर। अच्छी गेंद इस बार गेंद को खेला बेडविकेट के क्षेत्र में गेंद जाती है और ट्रॉफियां तो इतनी खूबसूरत थी वहां पर अहमदनगर के टूर्नामेंट में ट्रॉफियां बहुत जबरदस्त थी वहां पर। विनर टीम के कप्तान थे चेतन नराल और रनर टीम के कप्तान थे मेरे ख्याल से गोपी इंजामुरी। और मैच देखने के लिए हमारे साई यानी कि साई राम भी मैच देखने के लिए यहां पर आए हैं। अच्छी गेंद इस बार पीछे जाकर गेंद को मारना चाहते थे गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद 2 रन का इशारा यहाँ पर अंपायर की ओर से किया जा रहा है 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 14 रन। और जहां तक की अहमदनगर में टीम जो चली गई थी वहां पर उस टीम के लिए स्पॉन्सर बने थे श्री प्रतिष्ठान श्रीनिवास बहु संघा जो कि संघ ओनर थे उनकी टीम ने अहमदनगर का खिताब अपने नाम पर कर लिया था वहां पर।
जिन जिन लोगों ने इस पद्म जल्लोष प्रीमियर लीग के लिए सहकार्य किया, चाहे प्राइज देने में या सभी कोई भी मदद हो, जिन जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट के लिए सहायता की है, सबका हम टूर्नामेंट कमेटी की ओर से धन्यवाद मानना चाहेंगे। 12-10 टीम के 10 स्पॉन्सर, तो नराल परिवार और इसके बाद श्री गणेश मल्लाकट्टी ऑस्ट्रेलिया, ये टीमों के बीच में आगे का मैच होगा। इसके बाद का मैच मैं सभी खिलाड़ी से दरख्वास्त करता हूँ कि नराल परिवार के टीम के खिलाड़ी और निश्चित ही श्री गणेश मल्लाकट्टी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी सबसे यहाँ पर जल्द से जल्द ग्राउंड में उपस्थित रहिए। सुशील खन्ना, अगर आप मैच देख रहे होंगे तो आपके टीम के साथ जल्दी मैदान में आइए। मानना चाहते थे गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। और निश्चित ही सोलापुर शहर में आने वाले मेरे ख्याल से कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, यानी कि जैसे ऐसा समझ में आ रहा पालक मंत्री की जब नियुक्ति होगी तो महापौर एसपीएल प्रीमियर लीग होगी, लेकिन उस टूर्नामेंट में निश्चित ही हम निखिल मादास, दीपक राजुल का, महेश सरकार का जलवा देख सकते हैं वहां पर लेदर बॉल के टूर्नामेंट में। बहुत अच्छी गेंद थी, ले गेंद फिर से दिशाहीन गेंद, बहुत लंबा ओवर चल रहा है, टीम का स्कोर 15 रन। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट खेलने के लिए आजकल बहुत सारे खिलाड़ी जॉब्स होते हैं, पुणे हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, वहां से मैचेस खेलने के लिए खासकर से आए हैं, सबका हम कमेटी की ओर से धन्यवाद मानना चाहेंगे। और आने वाले एसपीएल महापुर चषक में मेरे ख्याल से कप्तान की अगर बात करना चाहेंगे तो निखिल मादास को शायद मेरे ख्याल से कप्तानशिप मिल सकती है, दीपक राजुल भी बन सकते हैं कप्तान, ऐसा हमें लग रहा है वहां पर। और चेतन नराल गब्बर मेरे ख्याल से वो भी कप्तान हो सकते हैं एसपीएल महापुर चषक में। इतनी बड़ी टूर्नामेंट में आपको कप्तानशिप मिलती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो देख रहा है ये गेंद, ओहो, ये मधुर आवाज है, मिठास है, टाइमिंग है, जज्बा है, जुनून है, बहुत जबरदस्त हो 6 रन के लिए। तो निश्चित ही काफी जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक खेला यहाँ पर बहुत देरी के बाद, ऐसा लगा कि बैट्समैन बहुत खामोश थे, लेकिन जैसे ही मौका बना, मौके पे यहाँ पर शानदार स्ट्रोक लगा दिया शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पर, पुल नहीं बल्कि पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के लिए। फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद मिडिल स्टंप पर आती, गेंद ऑन साइड में गेंद को मारा, बहुत जबरदस्त फील्डिंग वहां पर हो रही है, लग रहा था कि गेंद बाउंड्री पार कर सकती है, रनआउट का मौका हो सकता है, आइए देखिए। ये क्रिकेटर की निशानी होती है, जानते थे कि विकेट इंपॉर्टेंट है राजू वासी का, तो उन्होंने राजू वासी को आउट करने की कोशिश की महेश अरकल ने वहां पर। गेंद इस बार गेंद को थोड़ा सा रूम बनाकर मारना चाहते, गेंद आ रही है थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में, बहुत बढ़िया फील्डिंग, लेकिन फिर भी 2 रन के लिए डिक्लेयर गिरे, 2 रन के लक्ष्मण रेखा में गेंद टकराई वहां पर, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 26 रन की यॉर्क पर। ओहो, ये शॉट बहुत लाजवाब है, दर्शनीय, विश्वसनीय, लाजवाब स्ट्रोक, थोड़ी सी कमजोर गेंद मिली यहाँ पर, कमजोर गेंद पर आक्रामक प्रहार, फ्लिक स्ट्रोक खेला 6 रन गिरी वहां पर। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा 32 रनों की योग पर 32 रन।
तो देख रहा फिर से गेंद, फिर से और एक दमदार स्ट्रोक, एक कदम आगे चले गए, गेंद को ओवर पिच बनाया, मान चाहे दिल चाहे अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, बैक टू बैक निकलने वाला ये और एक छक्का यहां पर। तुम जगह ठोन गया सूरज, बॉल तुम जगह ठोच है, शेवट से चेंडू शिल्लक गया सेट का दिल, सूरज बॉल गया था तुम चढ़, तिथे बॉल है प्लेयर का मिस्टर सूरज। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। तो इस बार ये गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, हवा में गेंद है, फील्डर नीचे आ गए, शानदार कैच, खूबसूरत कैच मिड विकेट के क्षेत्र में, अक्षय बम्बा वहां पर फील्डर है जिन्होंने पिछले बार जब निखिल बैटिंग कर रहे थे 3 छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था आरटीएफ नाम से, वहां पर नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए निखिल चाटला अब बैटिंग करने के लिए मैदान में निकल रहे टीम की ओर से वहां पर। निशांत उड़ता को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाता हुआ, निशांत देख रहे हैं बल्लेबाजों को शांत करेंगे या बल्लेबाज निशांत को शांत करेंगे, देखेंगे क्या होता है। फिर से निशान गेंदबाजी करने के लिए रिथम राउंड विकेट से बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की पहली गेंद लेकर, ओ बहुत अच्छी गेंद, ओ कैच छूटा बाबर, अभी तो यकीनन निशान ने बिल्कुल निखिल को शांत ही किया था लेकिन कैच छूटा, जीवनदान मिला, मौका मिला यहाँ पर बैट्समैन निखिल चाटला के लिए। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी के जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ये गेंद तैयार है, ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद, देखा जाचा परका जाने दिया विकेट कीपर की ओर, बैट बॉल का इशारा आ रहा अंपायर की ओर से और बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 39-39 धावा। इनको खेला गेंद जा रही है बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में आती हुई गेंद, फील्डर वहां पर तैनात है, जब तक फील्डर फील करते थ्रो दिया जाता है, इस बीच सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 40 रन की ओर पर। निर्मल डेवलपर्स टीम के कप्तान है वरुण गुरला और निश्चित ही पांडुरंग का डीडी टीम के कप्तान है महेश सरकार। फिर से गेंदबाजी करने के लिए निशांत की अगली गेंद, निशांत की ये गेंद
ये गेंद थोड़ी सी डिसाइन गेंद थी, लेग स्टंप की बाहर जा रही है, रन आउट का मौका हो सकता है। ये व्हाइट बॉल और विकेट जा रही है वापस। नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान वहां पर वरुण बुरला, तो नए नए बल्लेबाज वरुण बुरला, नवीन फलंदाज आलाय तो स्वतः कर्णधार वरुण बुरला नो स्ट्राइकर दिशेने असेल। गोलंदाजी मध्ये पुन्हा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करेल तो निशांत। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद, ओ जगह से गेंद को आड़े हाथ लगाना चाहते थे, गेंद मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे निशांत निखिल गिलिया। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, फिर से मारने की कोशिश में गेंद आर के विकेट कीपर के पीछे गेंद आर के, और जब तक फील्डर फील करते 22 रन का इशारा अंपायर की ओर से आ रहा है और 22 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 42 रन 42 रन की ओर पर। तो देखना है नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं वहां पर उमेश चिल्कामारी को गेंदबाजी के लिए बोला जाता है। उमेश ओ चेतन नंबर आएगा, उमेश उमेश नंबर आएगा चिल्कामारी तो इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, मारना चाहते थे गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे लगने के बाद विकेट कीपर चंती बिटला के हाथ में गेंद आ रखे। वरुण बुरला के हर छक्के के लिए सागर गड्डम की ओर से बिल्कुल 100 रुपए के इनाम दिया जाएगा। आज वरुण को मौका है, कम से कम 400-500 की कमाई हो सकती है। तो डेड बॉल का इशारा आ रहा है, देख रहा फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बार ये गेंद, ओ आगे निकले इस बार लाजवाब स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 6 रनों के लिए। एक कदम आगे चला गया, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद बिल्कुल 6 रन के लिए। और आने वाले मेरे ख्याल से आशिया कप आने वाले मेरे ख्याल से इस महीने के मंथ एंड पर मैचेस शुरू होने जा रहे हैं,
लेकिन महामुकाबला हमें देखने मिलेगा 28 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच देखने मिलेगा। बहुत सालों के बाद तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे इस बार ये गेंद। बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर। एक मिनट, शावर लगाए जा रहा, पानी मारा जाता हुआ मैदान को ऐसा लग रहा है। तो अभी भी रुका बस कुर 300 ऑफ न्यूयॉर्क पर पदमा जल्लोस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का ये बिल्कुल दूसरा दिन और दूसरे दिन का तीसरा मैच और लगभग टूर्नामेंट का चौथा मैच यहां पर शुरू खेला जाता हुआ। इसके बाद का मैच श्री गणेश वल्लाकट्टी क्रिकेट टीम और नराल परिवार के बीच में आगे का मैच होगा। आगे चले गए, लेफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, गेंद आसमान में ऊंची जा रही है, सीधे बल्ले से सीधा आसमानी प्रहार निकलता हुआ, 6 रन गिरी है, 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 59 रन की योग पर। तो इस बार ये बल्लेबाज का विकेट चला जा रहा है, विकेट जा रही है वहां पर।
माने डाका माने हाँ माने माने हाँ सगळे पुरुष निरक्षर वर्ष ते वर्ष एक आहे की फौजदार फौजदार काय झालं फिर से जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है वहां पर। अब तक 10 गेंदों में केवल 9 रन ही खर्च किए और लाजवाब गेंदबाजी। इस बार गेंद को बाहर देखना है, गेंदार जी बिल्कुल कवर क्षेत्र में जाती हुई गेंद उमेश से। उमेश जब तक गेंद को फील करते थ्रो दिया जाता हुआ एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 7 रन की लॉक पर। फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद अब तक के बाहर जाती गेंद देगा चाचा पर का जाने दिया विकेट कीपर की ओर बैट बॉल का इशारा आ रहा है और बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 61 रन। फिर से बार ये गेंद मिडल स्टंप पर आती गेंद गेंद को मारा गेंद जा रही है बिर विकेट के क्षेत्र में आती गेंद अक्षय बम्बा जब तक गेंद को फील करते हैं एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 62 रनों की योग पर। आफ्टर 7 और कंप्लीटेड नाउ स्कोर गोज टू 62 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। तो आखिरी ओवर लेकर उमेश चिल्का मारी को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाता हुआ उमेश अपने व्यक्तिगत कोटे का उच्च कोटे का दूसरा और टीम की ओर से 8वां आखिरी ओवर लेकर इस टूर्नामेंट के लिए विशेष सहकार्य जो मिल रहा है अरियंस इंग्लिश मीडियम स्कूल जय संगार निर्मल डेवलपर्स इनका भी विशेष सहकार्य टूर्नामेंट के लिए मिल रहा है स्पोर्ट्स स्पॉन्सर के तौर पर। अभी भी एक हुक्मी अस्त्र बचा कर रखा है मुनी शेमुल और पैक यॉर्कर गेंद तीस बार अरे उमेश चांगले मुश्किल दोन बॉलर चांगले तुझ्याकडे का सुसल्याकडे अमर बोडा सागर बदला लाटा पुंजाल हां नाही हे पुंजाल नशील अच्छा तो इस बार ये गेंद को मारा लॉन्ग ऑन सी मारी का पार करती गेंद बहुत जबरदस्त स्ट्रोक 4 रन के लिए बाबर। इस बार गेंद को बदले यार स्टाइलिश अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ सचिन का मुनी अक्सर सीधे बैट से खेलते हैं बी में ज्यादा बैटिंग करते हैं तो बिल्कुल सीधे बल्ले से सीधा प्रहार स्टाइलिश स्ट्रोक सचिन का मुनी के बल्ले से। फिर से उमेश की अगली गेंद सचिन के लिए बहुत अच्छी गेंद थी इस बार गेंद को मारना चाहते गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों से टकराई छपते की गेंद को खिलाड़ी आकर फील करते थ्रो दिया जाता है लेग बाइज रन का इशारा अंपायर की ओर से आ रहा लेग बाइज रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 67 रन। तो बहुत अच्छी गेंद इस बार गेंद को मारना चाहते गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूटी वापस और देखिए मैं अनिल गुंजाल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से आप कमेंट्री बॉक्स के पास आइए सूरज जरा अनिल बोलो इतने पटवाए थे अनिल देख रहा फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की ये गेंद लेकर उमेश बहुत अच्छी गेंद परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी यहाँ पर
और क्रिकेट में यॉर्कर जो होता है ब्रह्मास्त्र माना जाता है, रन रोकने के लिए, विकेट लेने के लिए यॉर्कर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से उमेश छिलका मारे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, सामने है स्ट्राइक पर सचिन। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद ऑफ स्टंप की काफी दूर जा रही है, अंपायर ने बैट बॉल का डिसीजन दे दिया और बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 69 रन की ऑफ पर। सीधा मारा गेंद को बॉलर के पीछे निकल दी गेंद, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, लेकिन जितना अच्छा स्ट्रोक उतनी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर, और बल्लेबाज रन आउट हो गए किरण कुंटला वहां पर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 70 रन और मैच जीतने के लिए 71 रनों का टारगेट दिया जा रहा है वहां पर।
ये बंद करो सर। तो निखिल
चालू करो करे स्वप्न के तीन बार पीछे हटे ऊंचा मारना चाहते थे लेकिन ताकत कम लगी वहां पर पीके जा रही है। विकेट जाने के बाद नए बल्लेबाज देखना है बल्लेबाजी करने के लिए किसे भेजा जा सकता है। चंटी बिटला को अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में भेजा जा रहा है। फिर से विकेट मिलने के बाद नए बल्लेबाज चंटी बिटला स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए होंगे। बहुत अच्छी गेंद पीछे जाकर इनको खेलना चाहते थे अंदरूनी किनारा लगने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गेंद जा रही है। अभी उनका बस स्कोर तीसरे ओवर के आखिरी समय पर स्कोर है 24 रन की ऊपर। और ये विकेट जा रही है स्टंप पर आती गेंद को ऑनसाइड में मारने की कोशिश में विकेट जा रही है। बोल्ड हो गए बैट्समैन और टीम को लगा और एक झटका यहाँ पर दूसरा का लगने वाला ये दूसरा झटका।
तरफ से अपना महेश अर्कल की जगह लेने के लिए अब सुमित कंडेपल्ली नए बल्लेबाज के तौर पर यानंतर होणाऱ्या सामन्यासाठी दोन्ही कॅप्टनना विनंती करतोय. नराल परिवार संघाचे कॅप्टन चेतन नराल आणि त्याचबरोबर श्री गणेश वल्लाकड्डे संघाचे कर्णधार सुशील खन्ना यांनी ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करायचा आहे. This is Barry again. बहुत बढ़िया गेंद, बहुत लाजवाब गेंदबाजी. वरुण बिरला गेंदबाजी में जलवा दिखा रहे हैं वहां पर. फिर से गेंदबाजी करेंगे. ये गेंद उठाकर खेलने की कोशिश में गेंद हवा में जा रही है. फील्डर नीचे है और लप्पा पकड़ लिया कैच. शिवा पोबत्ती वहां पर फील्डर है. ऑस्ट्रेलिया. हॅलो, ये की लवकर मग इस टूर्नामेंट का सबसे लाजवाब प्रदर्शन, दर्शनीय विश्वस्तरीय प्रदर्शन. एक और पांच गेंदों में 6 रन देकर 4 सफलता अर्जित कर चुके वरुण बिरला. एक बहुत ही मैग्निक यानी कि बहुत जबरदस्त करिश्मा करने वाली गेंदबाजी भी. अब तक के दूर जा रही है बैट बॉल का इशारा था वह बढ़ता बस कुर 42 रन ऑफ की ऑफर. 19 से गेंद और मैच जीतने के लिए 29 रनों की तलाश है. लेकिन जब तक मोनिश जैसे बल्लेबाज है ये लक्ष्य भी इतना मुश्किल नहीं है. मोनिश पर पूरी दारोमदार होगी यहाँ पर मैच में. फिर से ये गेंद उठाकर खेलने की कोशिश में गेंद हवा में जा रही है. देखना है पांचवी कामयाबी नहीं मिली है वहां पर. पहले टप्पे पर जब तक गेंद को खिलाड़ी फील करते 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब मैच जीतने के लिए लगभग आने वाले 18 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए. 18 गेंदे और 27 रन.
खिलाड़ी फील करते नहीं चाहिए, एक रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ माफ करना दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब मैच जीतने के लिए केवल तीन रनों की जरूरत है, तीन रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फिर से बॉलिंग करने के लिए आगे चले गए, आसमानी विनिंग स्ट्रोक लगा दिया, मोनिस ऑन फायर, फिर से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन सीमारी का पार करती गेंद छह रन के लिए। और इसी के साथ इस मैच को जीतने में कामयाब रही बाबर, पांच रन का कटी थी टीम ने, पहला मुकाबला जीत दिया बाबर। समाजवादी पार्टी न तर सामन्यातील सामनावीर म्हणून मोनिस शेमूल याची निवड झाली, मोनिस शेमूल सामन्यातील सामनावीर, नेता अमर बोडा। चलिए मोनिस शेमूल को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी और साथ ही साथ 200 रुपए का प्राइज भी देगा वहां पर। तो अंबादास तोर्रा इनके हाथों से मोनिस शेमूल को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी वहां पर। अंबादास तोर्रा यांचे मी प्रथमतः सहर्ष स्वागत करतोय, सोलापुरातील अत्यंत नावाजलेले क्रिकेटपटू अंबादास तोर्रा सरांचं मी या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतोय आणि तोर्रा सरांना विनंती असेल की कृपया आपण आपल्या शुभास्ते सामनावीरची ट्रॉफी द्यावी। मोनिस शेमूल मैन ऑफ द मैच का प्राइज आपको मिल रहा है। ₹200 का प्राइस मिला है कुमार गौरव कुड़कियाल और विजय नीली की ओर से, ₹200 मैन ऑफ द मैच के लिए वहां पर ₹200 दिए जा रहे हैं। मोनिस शेमूल मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी है वहां पर। चला इसके बाद का मैच है कि श्री गणेश मल्लाकट्टी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम